अभी जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। लॉरेंस बिश्नोई का ये बयान वर्ष 2018 का है। इस बयान के बारे में विस्तार से आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले चलते हैं लॉरेंस बिश्नोई के गांव। हम इस वक्त पंजाब में दुतारा वाली गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले ये गांव फिरोजपुर जिले में था, लेकिन अब फाजिल्का में है, यानी राजस्थान के बॉर्डर पर गंगानगर के पास। ये गांव इस वक्त चर्चा में है क्योंकि ये गांव है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस को कोई देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर कह रहा है तो कोई कह रहा है कि वो नया डॉन है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम भारत से लेकर कनाडा और अमेरिका तक चर्चा में है। जब तक हम लॉरेंस के गांव न पहुंच जाएं, आपके सामने ये भी साफ कर देते हैं कि हम कहीं से भी लॉरेंस बिश्नोई का महिमा मंडन नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि लॉरेंस के गांव में जाकर उन लोगों से बात की जाए जो लॉरेंस को करीब से जानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई इस समय गुजरात की साबरमती जेल में है। साबरमती जेल से करीब 1000 किलोमीटर दूर पंजाब के फाजिल्का में ये है लॉरेंस बिश्नोई का गांव दुतरा वाली। इसी गांव में लॉरेंस बिश्नोई का बचपन बीता है। गांव के लोग लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, आइए लॉरेंस के गांव चलकर लोगों से बातचीत करते हैं। दुतारा वाली गांव की आबादी करीब 2200 है। गांव में हर घर आपको कोठी नुमा नजर आएगा। यहां ज्यादातर बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। दरअसल इस इलाके में बिश्नोई समाज के ऐसे 16 गांव हैं। गांव में घुसते ही पहले ये गौशाला नजर आई जो लॉरेंस के परिवार की है। इसके बाद ये किले नुमा मंदिर और धर्मशाला दिखता है, ये भी लॉरेंस बिश्नोई के परिवार का है। गांव के लोगों के मुताबिक लॉरेंस के परदादा साबराम जी ने यहां समाधि ली थी। वो बिश्नोई समाज के बड़े संत थे। गांव के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के परिवार की एक धर्मशाला है और एक मंदिर है। मैं उसी मंदिर में हूं। इस मंदिर का क्या महत्व है और यहां पर लॉरेंस बिश्नोई के परिवार से किसने समाधि ली थी, इस पर बात करने के लिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ ये मंदिर दिखाता हूँ और यहाँ जो लोग हैं उनसे बात भी करता हूँ कि आखिर ये मंदिर कब बना था और यहाँ पर जो समाधि है वो किसकी है। क्या नाम है आपका? अंकित बिश्नोई जी। अंकित, ये मंदिर किसका है, किसकी यहाँ पर समाधि है और क्या महत्व है इस मंदिर का? ये साव राम जी राड़ का मंदिर है। ये सबसे पुराने इनके लॉरेंस के सबसे पुराने पूर्वज है। सबसे पुराने पूर्वज इनके ही आगे वंशज है ये। इन्होंने ग्रंथ लिखा था जो बिश्नोई समाज का एक गुटका बोलते हैं जिसको, वो इनके द्वारा लिखा गया और एक आरती है और ये हमारे समाज के बहुत पहुंचे हुए संत है। बहुत मानते हैं इनको और ये इनकी समाधि है। यहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी और ये आगे लॉरेंस का जो भी परिवार है वो इनका, ये उनके वंशज है पुराने, सबसे पुराना। अब इस धर्मशाला और मंदिर की देखभाल कौन करता है? लॉरेंस का परिवार करता है, कौन करता है? ये पूरा गांव करता है। अच्छा। सामाजिक तौर पे सभी के लिए है, सब आते जाते हैं। अच्छा। यहाँ पे पुजारी है जो इसकी देखरेख करते हैं। यहाँ पे आरती सुबह शाम होती है। गांव में घुसते ही हमारी मुलाकात सरपंच से हुई। उसका परिवार तो बहुत अच्छा परिवार है, संपन्न परिवार है। कभी कोई इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा। इनके परदादा जी हैं वो बहुत बड़े संत हुए हैं। बहुत तो इनका समाज के अंदर योगदान रहा है। ऐसा कोई भी इनका मतलब बैकग्राउंड नहीं जो कि इस पृष्ठभूमि में जाता हो। अच्छा। आज भी ये संपन्न परिवार है, लगभग 100 एकड़ इनके पास जमीन है। गांव में घुसते ही हमें लॉरेंस का दोस्त जितेंद्र मिल गया। साल 2009 में जितेंद्र की शादी के वक्त लॉरेंस भी यहाँ इसी गाँव में था। बहुत अच्छे लड़के हैं, साथ में खेले बड़े हुए हैं।
यहाँ पर कहना पहले कहना में इनका क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड नहीं था, ना इनका परिवार का कोई ऐसा रिकॉर्ड रहा है। बहुत अच्छा के नाम ले भाई गांव के अंदर माहौल था उनका। 2009 में मेरी शादी थी, तब के नाम वो यहीं पे था हमारे साथ, ब्याह शादी भी अटेंड की है। उसके बाद में वो चंडीगढ़ गए हैं, चंडीगढ़ के नाम प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन था उसमें थोड़े बहुत के नाम उनकी नाकतुली हुई है। उसके बाद में के नाम है चाहे सरकार कर लो चाहे पॉलिटिशियन दबाव कर लो, उसके बाद में उन्होंने क्या नाम वो क्रिमिनल वाला वो रिकॉर्ड हो गया इनका।